दोस्तों ये कोई नहीं बता सकता कि पृथ्वी का अंत कब होगा। हालांकि ये प्रकृति का नियम है कि जिस किसी भी चीज की शुरुआत हुई है उसका कभी न कभी अंत भी होता है, और ये नियम पृथ्वी पर भी लागू होता है। और ऐसा भी नहीं है कि पहले कभी पृथ्वी पर मौजूद जीवन का अंत ना हुआ हो। डायनासोर जैसे जीव इसका उदाहरण है कि पृथ्वी पर जीवन पहले भी नष्ट हो चुका है। लेकिन क्या ऐसा कभी भविष्य में भी होगा? मैं मानता हूं कि निश्चित रूप से होगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि ऐसा कब होगा। तो दोस्तों, कई सभ्यताओं और धर्मों में पृथ्वी पर प्रलय, कयामत या विनाश की भविष्यवाणी की गई है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पृथ्वी पर विनाश की भविष्यवाणी कब कब की गई, लेकिन कम से कम आज तक तो वो सभी भविष्यवाणियां झूठी ही साबित हुई हैं। माया सभ्यता, प्रलय का दिन 21 दिसंबर 2012। माया सभ्यता नॉर्थ अमेरिका की प्राचीन सभ्यता थी। इसकी शुरुआत 1500 ईसा पूर्व मानी जाती है। माया सभ्यता को खगोल के मामले में बेहद उन्नत माना जाता था। अंतरिक्ष के बारे में की गई उनकी कई भविष्यवाणियां सच साबित भी हुई हैं। माया सभ्यता द्वारा बनाए गए कैलेंडर में 21 दिसंबर सन 2012 के बाद की तिथि का वर्णन नहीं है। माया कैलेंडर के अनुसार इस तारीख के बाद पृथ्वी का अंत होना था। इस पर यकीन करने वाले कहते हैं कि हजारों साल पहले ही माया सभ्यता ने अनुमान लगा लिया था कि 21 दिसंबर 2012 को पृथ्वी पर प्रलय का दिन होना था। हॉलीवुड फिल्म मेकरों ने इस विषय पर 2012 नामक फिल्म बनाकर इस विषय को भुनाने की कोशिश भी की थी। फिल्म के ट्रेलर ने इस भविष्यवाणी को और ज्यादा हवा दी, जिससे कई सारे लोग बेहद डर गए थे। लोग अपनी अंतिम इच्छा पूरी करने की जद्दोजहद में भी लग गए थे। टीवी, रेडियो और समाचार पत्रों ने तो लोगों की नींदें ही उड़ा दी थी। लेकिन 2011 में चर्चा में आई ये भविष्यवाणी आखिरकार गलत ही साबित हुई। मिंग चैन, 25 मार्च 1988 को होगा विनाश। ताइवान के धार्मिक गुरु मिंग चैन ने ईसाई और बौद्ध धर्म को आधार बनाकर ये भविष्यवाणी की थी कि 25 मार्च 1988 को ईश्वर धरती पर आएंगे, और क्योंकि इंसानों की वजह से पृथ्वी पर पाप बहुत अधिक बढ़ गया है, इसलिए ईश्वर संपूर्ण मानव जाति को इसके लिए सजा देंगे और पृथ्वी पर मौजूद सभी मनुष्य मारे जाएंगे। वर्ष 1988 में सभी अखबार इस भविष्यवाणी की खबरों से भरे पड़े थे। मिंग चैन के फॉलोअर्स बहुत बड़ी संख्या में थे, इसलिए सभी ने उनकी भविष्यवाणी को सच मान लिया। जैसे जैसे 25 मार्च की तारीख नजदीक आई, लोगों ने अपने घरों से निकलना ही छोड़ दिया। कईयों ने तो अपनी नौकरी तक से इस्तीफा दे दिया। उनका कहना था कि अपने जिंदगी के आखिरी दिन वे अपने परिवार के साथ ही बिताना चाहते हैं। लेकिन 25 मार्च के बाद 26 मार्च की सुबह भी आई और मिंग चैन की भविष्यवाणी गलत साबित हुई। एंड टाइम प्रोफेसीज, 29 जुलाई 2016 को होगा पृथ्वी का खात्मा। ये भविष्यवाणी भी अभी हाल ही में एंड टाइम प्रोफेसीज नामक संस्था द्वारा की गई थी। इस भविष्यवाणी के अनुसार 29 जुलाई 2016 से पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों के पलटने के कारण आपदाएं शुरू हो जाएंगी। कई भयानक भूकंप और सुनामी का सामना लोगों को करना पड़ेगा, और ठीक उसी समय एक उल्कापिंड भी धरती से टकराएगा। इस उल्कापिंड की टक्कर से बहुत बड़ी मात्रा में ऊष्मा पैदा होगी, जो एक बहुत भारी न्यूक्लियर बम के समान होगी। इस वजह से पृथ्वी पर मौजूद जीवन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। हालांकि वर्ष 2016 अब बीत चुका है और आज भी हंसी खुशी से हम अपना जीवन जी रहे हैं। न्यूटन, पृथ्वी का अंत होगा 2060 में। फादर ऑफ मॉडर्न साइंस के जनक न्यूटन के अनुसार ये दुनिया सन 2060 तक खत्म हो जाएगी। खास बात यह है कि न्यूटन ने ये ऐसे ही नहीं कहा था, बल्कि इसके पीछे एक फॉर्मूला था। गति के नियम के तमाम फॉर्मूलों का आविष्कार करने वाले न्यूटन ने 1704 में एक नोट लिखा था। उस नोट में ये कहा गया था कि एक समय ऐसा आएगा कि पृथ्वी की घूमने की गति बदल जाएगी, जिससे दिन और रात आधे हो जाएंगे, और वर्ष 2060 के बाद पृथ्वी पर समय बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। यानी किसी भी सूरत में ये दुनिया 2060 से आगे नहीं बढ़ने वाली। न्यूटन ने ग्रेविटी और दूसरे ग्रहों को भी अपनी भविष्यवाणी का आधार बनाया था। अब ये भविष्यवाणी कितनी सच हो पाएगी और कितनी नहीं, इसका जवाब तो हम आज से करीब 40 साल बाद ही जान पाएंगे। नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी, 5080 को होगी तबाही। नास्त्रेदमस को भविष्यवाणियों का पितामह माना जाता है, और उनकी अनेकों भविष्यवाणी बिल्कुल सही साबित हुई हैं। विश्लेषकों के अनुसार नास्त्रेदमस ने प्रलय के बारे में बहुत स्पष्ट लिखा है। उनका कहना है कि मैं देख रहा हूं कि एक आग का गोला पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है,
जो धरती से मानव की विलुप्ति का कारण बन सकता है। ऐसा कब होगा इसके बारे में जानकारी बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन ज्यादातर जानकार घोषणा करते हैं कि नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी के अनुसार ऐसा 60वीं शताब्दी के अंत में होगा। उस समय तृतीय विश्व युद्ध चल रहा होगा और ठीक उसी दौरान आकाश से एक उल्कापिंड हिंद महासागर में आकर गिरेगा, जिसके कारण समुद्र का सारा पानी धरती पर फैल जाएगा। इसी वजह से धरती के अधिकांश राष्ट्र डूब जाएंगे। या यह भी हो सकता है कि इस भयानक टक्कर के कारण धरती अपनी धुरी से ही हट जाए और अंधकार में समा जाए। खैर जो भी हो, लेकिन इस भविष्यवाणी की सच्चाई देखने के लिए 5080 तक तो हम वैसे भी जीवित नहीं रहने वाले। इसके अलावा महान वैज्ञानिक स्टीफन विलियम हॉकिंग ने दावा किया है कि मानव जाति अधिकतम 1000 साल तक ही जीवित रह सकती है, क्योंकि पृथ्वी 1000 सालों में समाप्त हो जाएगी। उन्होंने कहा कि हमें अभी से नए ग्रहों की खोज शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य को हर हाल में 1000 सालों के भीतर किसी अन्य ग्रह पर बस्तियां बसानी ही होगी, वरना हम सबका अंत निश्चित है। बहरहाल दोस्तों, इन सभी भविष्यवाणियों में से कुछ की तिथि तो बीत चुकी है तो कुछ भविष्य के गर्भ में है। बीती तिथियों से तो यही प्रतीत होता है कि ये भविष्यवाणियां गलत ही साबित हुई हैं, लेकिन भविष्य में कब क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता। तो दोस्तों, ये भविष्यवाणियां सही साबित होती या नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन तब तक के लिए आप भी जिंदगी के मजे लेते रहिए और चैन की नींद सोते रहिए। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को भी लाइक और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।